सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत इटवा के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय पर कांग्रेस जिला चेयरमैन प्रभावी नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी नागरिक सलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान कि उनके सामने भी योगी जी की फाइल आई थी, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से FIR दर्ज न करने और मामले को बंद कर देने के निर्देश दिए थे, सपा और भाजपा के बीच गुप्त समझौते को प्रमाणित करता है। अखिलेश यादव और इससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने हमेशा योगी को बढ़ावा दिया ताकि मुसलमान डर के कारण सपा को वोट देते रहें। नादर सलाम ने कहा कि अखिलेश यादव के इस बयान से मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि सपा और अखिलेश यादव के सहयोग के चलते ही आज योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने राजधर्म निभाया होता तो आज योगी दंगों और भड़काऊ भाषणों के मुकदमों में जेल में होते। नादिर सलाम ने कहा कि 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर के मेयर अंजू चौधरी की मौजूदगी में हिंसा फैलाने वाला भाषण देते हुए ऐलान किया कि वो ताजिया नहीं उठने देंगे और खून की होली खेलेंगे, जिसके लिए उन्होंने आसपास के जिलों में अपने लोगों को कह दिया। इसके बाद गोरखपुर, देवरिया, पडरौना, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में योगी के कहे अनुसार ही मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई। उस समय की मायावती की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत मुश्किल से न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज हो पाया, लेकिन 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार ने CBCID जांच की अनुमति ही नहीं दी। इस तरह देवरिया के मोहन मुंडेरा कांड, जिसमें योगी के भाषण के बाद 76 मुस्लिमों के घर जला दिए गए थे, इसकी भी जांच सपा सरकार ने नहीं होने दी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, बहुत एक अहम मुद्दे पे है और मैं अपने मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं कि अभी हाल में ही अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी की फाइलें हमारे पास आई थी, लेकिन हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वास्तविकता यही है कि दोनों पार्टियों में गुप्त समझौते हैं और दोनों पार्टियां बारी बारी गुप्त समझौते के तहत अपनी अपनी सरकारें चलाती हैं। आज वही हम मीडिया बंधुओं के मीडिया के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं, जिस जनता का वोट लेके, जिस खास तबके का वोट लेकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है और फिर उसको छलने का काम करती है, आज उन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अगर राजधर्म निभाया होता तो आज योगी जी जेल में होते। आज इसी बातों को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जब अखिलेश यादव की जबानी, जब फाइल योगी जी की उनके पास आई तो उन्होंने उस फाइल को दबा दिया, उस फाइल को उन्होंने दबवा दिया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और एक तरह से उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र किया जो शायद देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक संयंत्र है उनके द्वारा। हम मीडिया बंधुओं को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की मेयर अंजू चौधरी की मौजूदगी में हिंसा फैलाने वाला भाषण देते हुए ऐलान किया कि जो ताजिया नहीं उठाने देंगे और उन्हें ताजिया नहीं उठाने देंगे और खून की होली खेलेंगे, जिसकी मैं उन्हें आसपास के कई जिलों में अपने लोगों से कहा। उसके बाद गोरखपुर, देवरिया, पड़ौना, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में योगी जी के कहे अनुसार तमाम मुस्लिम विरोधी हिंसाएं हुई। उस समय की मायावती सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, बमुश्किल से न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज हो पाया।